हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति क्रिएशन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बिहार यूपी की बहुत ही फेमस भरवा मिर्ची अचार की रेसिपी। और ये रेसिपी जैसे बिल्कुल दादी नानी बनाती थी वैसे ही हम बनाने जा रहे हैं। और इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये लाल मिर्ची हमने 1 kg लिए हैं और इसे हमने अच्छे से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लिए हैं। मिर्ची को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछने के बाद हम इसके अंदर के सारे बीज और पल्प को निकालेंगे। और उसके लिए हम पहले मिर्ची के ऊपर वाले डंडी को कट करके हटा देंगे और इसमें से सारे पल्प और सीड्स निकालने के लिए हम इसमें बीज से कट करेंगे। यहाँ पर हमने मिर्ची के ऊपर वाले पूरे कैप को हटाया नहीं है, अब हम इसे बीच से कट कर लेते हैं। मिर्ची को बीच से कट करने के बाद हम एक शार्प नाइफ से इसके पल्प और सीड्स को निकाल लेंगे। पर फ्रेंड्स, हमें इनके सीड्स और पल्प को फेंकना नहीं है। ये देखिए, मिर्ची बिल्कुल अंदर से खाली हो गई है, इसमें बिल्कुल भी पल्प और सीड्स नहीं बचे हैं। और इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी पल्प और सीड्स को निकालते जाएंगे। और इसी तरह फ्रेंड, हम सभी मिर्ची के ऊपर वाले पोर्शन को कट करते जाएंगे, फिर बीज से कट लगा के उसमें सारे बल्ब और बीज को निकाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड, हमने सभी मिर्चों में से बल्ब और सीड्स को निकाल लिए हैं। अब हम आ गए छत पे इसे सुखाने के लिए। एक साफ कपड़े को बिछाकर हम सभी मिर्ची को इसके ऊपर फैला लेंगे। फिलहाल के लिए हमें इन मिर्चों में सिर्फ 1 दिन के लिए अभी धूप लगानी है। और जब तक हमारी मिर्ची धूप में अच्छे से सूख रही है, तब तक हम इसके लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। और मसालों में हमने लिए हैं तकरीबन आधी कटोरी खरी धनिया, मुट्ठी भर काले मिर्च, मुट्ठी भर जीरा, मुट्ठी भर के करीब अजवाइन, और ये 1 कटोरी सौंफ और मेथी दाने हैं, दोनों मिक्स हैं इक्वल इक्वल क्वांटिटी में, आधी कटोरी के करीब पीली सरसों के दाने, हींग पाउडर और मुट्ठी भर सूखी लाल मिर्च। इन मिर्ची के अचार में फ्रेंड्स खूब भर भर के मसाले डलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बहुत सारे मसाले लिए हैं। अब हम सभी मसालों को थोड़ा थोड़ा रोस्ट करते जाएंगे जिससे इनकी फ्लेवर और भी बढ़ जाए। और साथ ही हमने कुछ नॉर्मल मसाले भी लिए हैं, जैसे 2 बड़े चम्मच काले नमक और 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर और सफेद नमक। और साथ ही हमने आमचूर पाउडर और कलौंजी भी लिए हैं। और ये है वो मिर्ची के पल्प और बीज, इसे हमने अच्छे से सुखा दिया धूप में। अब ये बहुत अच्छे से सूख गए, अब हम इन्हें मिक्सचर जार में डालकर इसे हम पीस लेंगे। और ये देखिए, मिर्ची भी हमारे अच्छे से सूख गए हैं हल्के। थाली भरने से पहले हम इन्हें 1 दिन के लिए अच्छे से सुखा देते हैं ताकि अच्छे से साल भर तक टिक सके। ये आमचूर पाउडर, इससे बहुत अच्छा खट्टापन आता है मसाले में। तो अब हमने सारे मसाले को एक जगह इकट्ठा करके रख लिए, अब हम चलते से रोस्ट कर लेते हैं। पैन को अच्छे से हीट करने के बाद हम पहले धनिया डाल देंगे और फ्लेम को हमें मीडियम रखते हुए हम इन्हें रोस्ट करते जाएंगे जब तक कि इनमें से बहुत अच्छा कलर और खुशबू ना आने लगे। धनिया हल्की हल्की रोस्ट होने लगी है, अब हम इसमें सौंफ और मेथी दाने डाल देंगे और इन्हें भी हम हल्का हल्का रोस्ट करते जाएंगे। और इसके साथ ही हम 1 चम्मच भर के जीरा और 4 चम्मच भर के अजवाइन डाल देंगे और इन्हें भी हम मिक्स करते हुए अच्छे से रोस्ट करते जाएंगे। और लास्ट में मुट्ठी भर के करीब काली मिर्च भी डाल देंगे। मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसमें से बहुत अच्छी आवाज भी आने लगी है और इनके कलर भी चेंज हो गए। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद हम सेम पैन में सूखे मिर्च को रोस्ट कर लेंगे। मिर्च को इस तरह से रोस्ट करने के बाद ये बहुत अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में इसके पाउडर बन जाते हैं। बस इन्हें हमें थोड़ी देर के लिए ही इसे रोस्ट करना है। और अब हम इसमें साथ ही पीली सरसों के दाने डाल लेंगे और इन्हें भी हमें थोड़ी देर के लिए ही रोस्ट करना है। अब ये दोनों भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे भी उसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और फिर से हम सेम कढ़ाई को चढ़ा देंगे गैस पे। और इसमें हम सरसों के तेल डाल लेंगे और ये तकरीबन 600 ml तेल है। फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल को गर्म करके डालने से अचार बहुत ही लंबे समय तक टिकते हैं। और ये है वो मिर्ची के दाने और पल्प जिसे हमने धूप में अच्छे से सुखा लिए है, इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इन्हें हम पेस्ट बना लेंगे। इन्हें हमें हल्का दरदरा ही ग्राइंड करना है।
ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सारे पल्प अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। और हमारे तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुके हैं और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग के पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें हल्दी के पाउडर भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा हो जाने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड, हमने सभी मसालों को अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लिए हैं और साथ ही हम इसमें मुट्ठी भर के कलौंजी डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने मसालों को हल्का दरदरा ही पीसा है और साथ ही हम इसमें मिर्ची के पाउडर और पल्प को जो पीस कर रखे थे उसे भी हम डाल लेंगे और काला नमक और सफेद नमक भी डाल देंगे। नमक को आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के लिए एक बड़े बर्तन में सभी मसालों को हम ट्रांसफर कर देंगे। और यहीं पे हम आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। ये तकरीबन हमने 150 ग्राम आमचूर पाउडर लिए हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम धीरे धीरे ऑयल डालकर इसे अच्छे से मसालों को मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, सभी मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हम एक एक मिर्ची को लेंगे और इसमें भर भर के मसाले डालते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सभी मिर्ची में हम इस तरह से मसाले भरते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सभी मिर्ची में अच्छे से मसाले भरकर तैयार कर लिए हैं। और इन्हें हम कांच की बोतल में डाल लेंगे। पहले हमने कांच की बोतल को अच्छे से साफ करके इन्हें धूप में सुखा लिए हैं। अगर थोड़ी सी भी बोतल में नमी होगी तो उसमें फंगस लग जाएंगे और अचार खराब हो सकते हैं। और अब हम एक एक करके सभी भरवा मिर्ची को इस जार की बोतल में डालते जाएंगे। और इतना हमारा भरवा मिर्ची बच गया, इसे हम दूसरी कांच की बोतल में डालेंगे। और अब हम इसमें जो हमने गर्म करके तेल रखे थे उसे हम इसमें डाल लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड, हमारा भरवा मिर्ची अचार बनके रेडी हो गया। इसे हम बस 5 से 6 दिन के लिए धूप में छोड़ देंगे जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखने में लग रही ना फ्रेंड, बिल्कुल दादी नानियों वाली भरवा मिर्ची के अचार, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी भरवा मिर्ची अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।